वेलकम, आप सभी लोग का सेबी ट्रिक्स में स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले 2017 में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है जो इंग्लिश मीडियम में है, और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, तो आप फॉर्म में क्या क्या फिल करना है यहाँ पे पूरा आपको बताया गया है कैसे फिल करना है। तो आपको सब ध्यान देना है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आधार नंबर्स, एरिया कोड, सेक्शन, सोशल ग्रुप, ये सब, स्टूडेंट नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंस्ट्रक्शन भी गिवेन है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन क्या करने हैं आपको फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या गिवेन है, जैसे यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन को सभी आपको ट्राई करने हैं। तो जो क्वेश्चन मिलेंगे फोर सब्जेक्ट रहेगा, जो पहले वीडियो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, इस कैरी 15 क्वेश्चन, एक जो सब्जेक्ट होगा उसका 15 क्वेश्चन आएंगे। जैसे लैंग्वेज का है 1 to 15, जो आपका इंग्लिश रहेगा। मैथमेटिक्स रहेगा जो 16 to 30 क्वेश्चंस रहेगा। साइंस 31 to 45 के बीच में मिलेगा, और सोशल साइंस 46 से 60 के बीच में। यू हैव 120 मिनट, मतलब जो भी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है आपको 120 मिनट में सॉल्व करने, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट्स आपको मिलने वाले, वो भी ओमार सेट। अब ओमार सेट क्या होता है ये अगर आपको इसका डिटेल्स में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओमार सेट के बारे में कैसे उसको फिल करते हैं, कैसे उसको करना है आपको ट्राई करना है। क्योंकि बिकॉज में ओमार सीट जब फिल करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने क्रॉस करते, कट करते, हाफ फिल करते, तो वो मार्क्स काउंट नहीं होता है। तो प्रॉपर कैसे फिल करना है वो आपको उस वीडियो में पूरा मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। कौन सा पेन यूज करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज कर सकते हैं आप लोग। तो और यहाँ पे सेम जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो इंग्लिश के पैराग्राफ आएंगे और उस पर आपको उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेम मैथ्स का भी जैसा बेसिक जो मैथ्स है, जो बेसिक मैथ्स हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब्स के बेस पे हो गए, ये पहले हम लोग इंग्लिश का देख रहे हैं। तो मैथ्स का इसके बाद में है, जैसे यहाँ पे डे के बारे में, टाइमिंग के कुछ बारे में, सबट्रैक यहाँ पे फ्रैक्शन हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कुछ दिया है आपको बना के, बॉक्सेस बना के दिया हुआ है, उसके टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ग्राफ दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्कूल का दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा गया है आपको, सॉल्व करना है। तो ये सब आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मैथ्स के भी पूछे जाएंगे। जैसे प्रीवियस 2017 का है, सेम मतलब 2021 का भी पेपर वैसे ही होगा, बट सेम क्वेश्चन नहीं होगा, बट थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब उसके जैसे ही क्वेश्चन आपको स्टडी करने, वैसे ही प्रैक्टिस करने, तो ये सब आपको स्टडी करना है। अब इसके बाद आ जाते हम लोग साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का भी जैसे बेसिक जो पढ़ते हैं हम लोग स्टडी किए हैं, जैसे 7th में 6th में 5th में जो पढ़े वही उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी करनी है, सिंपल सा। ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं कि आपको प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा स्टडी करना है, नहीं, जो आपने स्टडी किया वही सब बेस है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांस में क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो यहाँ पे इसे दिया हुआ है। फिर ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी में आपको डायग्राम रिलेटेड, जैसे स्टेट नेम हो गया, कैपिटल नेम आपको लर्न करने हैं, फिर इसके बाद से क्रॉप्स कहाँ पर होते हैं, फसल कहाँ पर होती है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। जैसे रिवर्स, ऐसे रिवर्स कहाँ पे इंडिया में कितने रिवर्स हो, सब मानसून के बारे में, फिर यहाँ पे कुछ चार्ट गिवन है, ये सब आपको पूरा स्टडी करना है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कैसा, जो अभी न्यू अभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है या किसी और को समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे पेपर में। तो अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मार्कशीट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा आपको क्वेश्चंस आने वाला है और कैसे आपको फील करना है। तो ओमार सीट का भी समझ आएगा, और ये आपको 8th क्लास का कैसा 2017 में पेपर आया था उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अपने एक प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को तक भी फैलाओ, जिससे उनको भी समझ में आए कि कैसा हमें ये एग्जाम्स देना है, कैसा उसको अचीवमेंट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा।